नामीबिया से फिर हार गए नेपाली सूरमा, बल्लेबाजी ने फिर दे दिया दगा, गेंदबाज भी मौके पर आकर चूके, नेपाल की बल्लेबाजी ने मैच गंवाया। नामीबिया के खिलाफ नेपाली सूरमा एक बार फिर चारों खाने चित हो गए। नीदरलैंड को दौड़ा दौड़ा कर पीटने वाले नेपाली बल्लेबाज नामीबिया की फिरकी गेंदबाजों के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गए। न अनिल साह का बल्ला चला, न देव खनाल चले और न कप्तान रोहित पौडेल चले। नामीबिया ने एक बार फिर नेपाल के तीनों दिग्गजों को शून्य पर चलता कर दिया। नेपाल की अनिश्चित बल्लेबाजी नेपाल के लिए सबसे बड़ा नासूर बन चुकी है। एक मैच में नेपाल के बल्लेबाज इस कदर गदर काटते हैं मानो उनके सामने कोई भी गेंदबाजी मायने न रखती हो। लेकिन दूसरे ही मैच में नेपाल का यही टॉप ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। नेपाल के गेंदबाजों ने नामीबिया से मुकाबला छीनने की पूरी कोशिश की, लेकिन स्कोर बोर्ड पर उतने रन ही नहीं थे कि नेपाली गेंदबाज लड़ पाते। आखिरकार नामीबिया ने नेपाल को दूसरे मुकाबले में भी धराशायी कर दिया। नामीबिया ने आज पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और नेपाल के बल्लेबाजों को दबोच लिया। यूं तो नेपाल की शुरुआत अच्छी रही, कुशल भुरतेल और आसिफ शेख ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन कुशल भुरतेल 16 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद तो पतझड़ लग गया। अनिल शाह सिर्फ 2 गेंदों में ही शून्य पर आउट हो गए। उसके बाद आए देव खनल भी 5 गेंदों में शून्य पर आउट होकर लौट गए। वहीं दूसरी तरफ आसिफ शेख 64 गेंदों पर 58 रन बनाकर उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। उसके बाद कुशल माला ने भी कुछ टिकने की कोशिश की, 52 गेंदों में 36 रन बनाए जिसमें 1 चौका और 3 छक्के शामिल थे। लेकिन कुशल माला की इस धुआंधार पारी को कप्तान एरोस्मस ने खत्म कर दिया। उसके बाद कप्तान रोहित पौडेल आए, वो भी शून्य पर आउट हो गए। फिर भीम सरकी ने कुछ संघर्ष जरूर किया, 36 गेंदों में 26 रन बनाए। दूसरी तरफ दीपेंद्र सिंह एरी 18 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। फिर आए सोमपाल कामी भी 4 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। करण केसी ने 12 गेंदों में 12 रन जिसमें 1 चौका और 1 छक्का शामिल है, कुछ रन स्कोर को बढ़ाने की कोशिश जरूर की, लेकिन उसके बावजूद नेपाल 37 ओवर और 1 गेंद में 168 रन पर अपने 10 विकेट गंवा चुका था। नामीबिया की तरफ से बर्नार्ड एस्कॉर्ट ने 10 ओवर में 31 रन देकर 4 विकेट लिए, तो वहीं निकोल लॉफ्टी ईटन ने 6 ओवर में 34 रन देकर 4 विकेट झटक लिए। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरी नामीबिया की शुरुआत जरूर अच्छी नहीं रही, लेकिन कप्तान एरोस्मस और लिंगेन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नामीबिया को लड़ाई में वापस ले आए। लेकिन एरोस्मस को कुशल भुरतेल ने करण केसी के द्वारा एक शानदार कैच के जरिए जब निपटाया तो एक वक्त उम्मीद जग गई थी कि शायद नेपाल वापसी कर सकता है, लेकिन उसके बाद स्मिथ ने 66 गेंदों में 34 रन और बर्नार्ड एस्कॉर्ट ने 5 गेंदों में 8 रन बनाकर नेपाल को हरा दिया। आखिरकार नामीबिया से नेपाल अपना दूसरा मुकाबला 2 विकेट से हार गया। इसी के साथ नेपाल की बल्लेबाजी पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। सवाल ये भी, आखिर कब तक नेपाल के बल्लेबाज अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।